Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12 students, and presently we are studying the chapters on partnership firms, and the present chapter is goodwill, nature and valuation. The concept and method of valuation of goodwill is super profit method. और आपके सुपर प्रॉफिट मेथड में एक क्वेश्चन है, अतुल एंड विपुल हैड ए फार्म इन व्हिच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000, एवरेज या एक्चुअली ईयरली प्रॉफिट इतना होता था, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%. जो इस टाइप के बिजनेस, सपोज इनके गारमेंट्स का है तो इनका 15% रिटर्न होता है, इसी टाइप के बिजनेस में 15% रिटर्न होता है, तो 50,000 से 15% एक्सपेक्टेड है 50,000 के कैपिटल में. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्सेस एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 4 years परचेज. बोल रहा है कि जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 साल का मल्टीप्लीकेशन विल बी द गुडविल ऑफ द फार्म. तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट को तोड़ोगे तो इट विल बी एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल और एवरेज एक ही इंग्लिश है, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज. तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है कि इसी टाइप के बिजनेस में 16,000 रुपये एक्चुअली या एवरेज प्रॉफिट होता है, 50,000 ये दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और इस टाइप का बिजनेस में यूजुअली लोग 15% कमाते हैं, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब सपोज इनका बिजनेस है लेदर्स का, लेदर गारमेंट्स का, तो लेदर गारमेंट्स में 15% रिटर्न होता है, तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट या यू कैन से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो आएगा उसको 4 years तक हम परचेज कर सकते हैं टू फाइंड आउट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. तो अभी क्या करेंगे ना, इसको कैलकुलेट कर देंगे, और ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद दिस इज गुडविल ऑफ द फार्म, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.